नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके अति प्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनलाइन से जुड़ी हुई गुवाहाटी से हमारी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री जो पटना से जुड़े हुए तेजस्वी यादव जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, शांतनु ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको इस पवित्र नगरी में स्वागत करता हूं। भगवान शिव जी का ये पवित्र नगरी है। ये पवन अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है और इसी अवसर पर हम लोगों ने एक नई कदम मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी दिखाई हुई दिशा से आप शुरू होने जा रहा है। आप सबको मालूम है पिछले 8 साल के अंदर देश की में बसे हुए जलमार्ग को शक्ति देने का और इस जलमार्ग के जरिए देश को आगे बढ़ाने का जो मोदी जी ने कदम उठाई है, इसके वजह से आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का बांग्लादेश होकर। ये जो सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये सफर में हमें कई रास्ता दिखाई देती है, हमें कई मौका इस देशवासियों को देने में ये सफर तय करती है। खास करके एक तो जलमार्ग में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करना और इसके जरिए देशवासियों को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका देना, सही दिशा देना और दूसरे पड़ोसी राष्ट्र से जलमार्ग के जरिए हमारे दोस्ती को बढ़ावा देना और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए उत्तर पूर्व को भारत की अलग अलग राज्यों से मजबूती से जोड़ना और उत्तर पूर्व जो पिछली सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं देते थे, सबसे पिछली इलाका के रूप में जाने जाते थे, उसी इलाका को शक्ति देने का जो उन्होंने 31 पॉलिसी के जरिए सपना देखा था, आज इस सफर ने उस सपने को भी साकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज का दिन दुनिया की रिवर क्रूज के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि
ये दुनिया का सबसे लंबे सफर है, 3200 किलोमीटर का ये लंबे सफर सफल रूप से इसको संपूर्ण किया जाएगा देशवासियों की सहयोग से। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश होकर असम, यानी कि इस सफर के जरिए सिर्फ एक हमारे पर्यटन की ही रास्ता खुलेगा ऐसा नहीं, व्यापार वाणिज्य का भी रास्ता खुलेगा, किसानों को भी एक अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका मिलेगा, और विद्यार्थियों को अलग अलग खास करके जलमार्ग के क्षेत्र में जो भी हमें कौशल चाहिए, इस कौशल को हासिल करके रोजगार इसमें निकालने के लिए उनको भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और हमारे भारत को दुनिया में ब्रांडिंग करने के लिए हमारे 5000 साल पुराने सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्तियों का ताकत के बारे में दुनिया की मानव समाज को भी ये दिखाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में जो सफलता हासिल की है, देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो शक्ति दी है, जो मनोबल दी है, इसके वजह से आज देश जाग उठा है और देश ने मन बना लिया है अगले 25 साल के अंदर इसी देश को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करेंगे। और आपके लिए मैं ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि ये जो जहाज, ये आत्मनिर्भर भारत का ही नमूना है, क्योंकि ये जहाज देश के अंदर बनी है, ये विदेश से हमने नहीं खरीदा है, यानी कि मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे इसको साकार करने के लिए हम सफलता प्राप्त की है। तो मुझे लगता है ये आज हमारे सबके लिए बड़े स्मरणीय दिन है, ऐतिहासिक पल है, और हम अपने देश को कैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा के, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध होना जरूरी है। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने जो शक्ति दी है, इसके वजह से भारत सरकार की हर मंत्रालय देश की जनताओं का साथ मिलकर आज जिस हिसाब से देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, देश के विकास को तेज से आगे ले जाने के लिए आप लगे हुए हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र हमें दे रखी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी आज ये जो नदी का सफर है, ये जो क्रूज है, इसके जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र भी हम साकार करने जा रहा है। इसी शब्दों का साथ फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, और आप सब लोगों से ही अपेक्षा है कि ये यात्रा यहां से शुरू होंगे, तो आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री की पवित्र हाथों से इसका शुभारंभ होगा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी के पार में अलग अलग जो कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक हमारे यूपी में आज 5 कम्युनिटी जेटी का लोकार्पण, और हल्दिया कलकत्ता में मल्टी मॉडल टर्मिनल, और गुवाहाटी में मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट का लोकार्पण होंगे, और साथ साथ में बिहार में 5 जेटी का आज शिलान्यास होगा, और गुवाहाटी में भी पांडू में शिप रिपेयरिंग सेंटर एलिवेटेड कॉरिडोर का भी आज शिलान्यास होगा। मुझे लगता है कि इन कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय हमें दी है, आशीर्वाद देने के लिए हमारा भी उपस्थित है, इसके लिए मैं फिर से हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम देते हुए आप सबको आज इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपने स्वागत भाषण को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।